मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? बेटा सर्वगुण संपन्न बहू की प्रतियोगिता हो रही है यहाँ पर, और अभी अभी आंचली ग्राउंड जीती है। क्या, पर ये कंपटीशन हो क्यों रहा है? वो ये जानने के लिए बेटा कि तुम्हारे लिए और इस घर के लिए आदर्श पत्नी और बहू कौन है, आंचल या रुचिता। जब किस्मत और हालात ही गलत हो दादी, तो इंसान और रिश्ते सब गलत ही होते। ये कंपटीशन कोई भी जीते, लेकिन मेरी आदर्श पत्नी रुचिता है और वही रहेगी। लेकिन अब मैं चाहकर भी उसे दोबारा अपना नहीं बना सकता। इसका क्या मतलब निकालूं मैंने हाँ जी? एक सर्वगुण संपन्न बहू वही कहलाती है जो एक अच्छी पत्नी हो। इसलिए दूसरे राउंड में तुम दोनों से निहार के बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे और तुम्हें उनके सही उत्तर देने होंगे। रुचिता, तुम निहार की पहली पत्नी थी और आंचल तुम निहार की दूसरी पत्नी हो। इस नाते तुम दोनों को निहार के बारे में सब पता होना चाहिए। सासू माँ, मैं ये राउंड कैसे जीतूंगी? आपको तो पता है कि हुकुम सा मुझे कुछ भी नहीं बताते, और हम दोनों के बीच अभी भी कितनी दूरियां हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, ये राउंड मैं जिताऊंगी तुम्हें। जाओ, आइए राउंड शुरू करते हैं। निहार के शरीर में एक मसा है, वो कहां पर है? इसका जवाब मुझे कैसे पता होगा? मस्सा उनकी पीठ में नीचे की ओर, लेकिन ये सब सबके सामने कैसे बोलूं? ये सासू माँ बंदर की तरह पीठ क्यों खुजला रही है? कि मुझे अगर जीतना है तो बोलना ही पड़ेगा। वो उनके पेट में नीचे की ओर, शाबाश, मेरी बहू आंचल और निहार एक दूसरे के कितने करीब हैं, कितनी अच्छी तरह से जानते हैं एक दूसरे को। शाबाश, मेरी बहू आंचल को तो सब पता है। निहार सबसे ज्यादा किससे प्यार करता है, अपनी माँ से या अपने पापा से? सासू माँ से, आखिर वो उनकी माँ है। निहार जी के लिए उनकी माँ उनका दिल है, तो उनके पापा जी उनकी जान, और कोई इंसान दिल और जान में किसी एक को कैसे चुन सकता है? बिल्कुल सही जवाब, निहार ने एक बार मुझसे भी यही कहा था। सवाल जवाब में तुम दोनों बराबरी पे हो, लेकिन एक पत्नी अपनी असली परीक्षा तभी पार करती है जब वो अपने पति की अन्नपूर्णा भी बन सके, अपने खाने से उसका दिल जीत सके। इसलिए आज तुम लोगों को निहार के लिए एक एक मीठा व्यंजन बनाना है। निहार उसमें से जिसकी भी मिठाई खाएगा वही इस राउंड का विजेता होगा। मैं उनके लिए बेसन का हलवा बना रही हूँ। निहार जी का तो फेवरेट है बेसन का हलवा, मैं क्या बनाऊँ? इसमें तो मुझे कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ हुकुम सा मेरा ही हलवा पसंद करेंगे।
पापा जी, ये रुचिता कौन सी मिठाई बना रही है, समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी मिठाई बना रही है? ये जो भी मिठाई बनाए बनेगी वो सिर्फ राखी। ये आज धीमी क्यों नहीं हो रही है? दादी जी, लगता है ये गैस खराब है, इसकी आंच कम नहीं हो रही है। बहाने बनाना बंद करो रुचिता। ना बेटा, चल यार, जल्दी से अब इनमें से एक मिठाई चुन ले। क्या फालतू सा कंपटीशन लगा रखा है आपने दादी, जिसका हिस्सा मुझे भी बनाना चाहती, मुझे नहीं चखना कुछ। निहार, तू मेरा प्यारा चुटकू है ना, बस एक बार मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। हाँ ओके फाइन। इन दोनों बाउल्स में मिठाई है, एक आंचल ने बनाई है और एक रुचिता ने। तुम्हें इन दोनों मिठाई में से कोई एक पसंद करनी है। दादी, दूसरी डिश मुझे देखनी भी नहीं। अब जानती है ना, बेसन का हलवा मेरा फेवरेट है। निहार, एक बार दूसरी डिश भी देख लेना। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर आप जानती हैं।